सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि NYKS वॉलंटियर रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें जो इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और क्या गाइडलाइंस होती है इंटरव्यू की, कृपया बताएं। इसके पैनल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल प्रश्नों से पूछे जाते हैं कि सबसे पहले तो उस यूथ को चयन कमेटी ये देखना चाहती कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, इसकी नॉलेज क्या है, इसकी हॉबी क्या है और ये क्या चाहता है। सिर्फ एक नौकरी के मकसद से ये काम करने के लिए आया है कि समाज सेवा की इसके अंदर रुचि है। अगर उसमें समाज सेवा की रुचि है और थोड़ी इसमें जनरल नॉलेज है, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, उसका एटीट्यूड थोड़ा ठीक ठाक लगा, ये उस कमेटी के माध्यम से ये उसमें देखा जाता है, उसमें क्वालिटी और उसके बाद उसका चयन होता है। सर इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू अधिकारी होते हैं वो उस अभ्यर्थी में या कैंडिडेट में ऐसी कौन सी विशेषताएं देखते हैं और उससे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार दोबारा बताएं। उस यूथ की पूरी पर्सनालिटी हम देखते हैं और इंटरव्यू में उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे कोई निश्चित नहीं होता प्रश्न पूछना, उस ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उस यूथ की पूरी पर्सनालिटी का पता चल सके, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका जनरल नॉलेज कितना है और वो उसके जो जिस पद पे वो भर्ती हो रहा है उसके बारे में वो कितना उत्सुक है, कितना जानता है और अपने जिले के बारे में उसको कितनी नॉलेज है, ऐसा उससे प्रश्न करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे वो यूथ के बारे में पता लगा लिया जाता है कि ये यूथ वास्तव में नेशनल यूथ वॉलंटियर पद के लायक है या नहीं है। अगर वो सब चीजों का जवाब बढ़िया तरीके से देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ लेटेस्ट चीजें पूछी जाती है, जैसे अभी G20 का चल रहा है, Y20 चल रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है भाई G20 क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, कितने देश का ग्रुप है, इसी प्रकार Y20 क्या है, इसी प्रकार ये भारत का अमृत महाकाल चल रहा है तो ये क्यों, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, ऐसी कुछ चीजें हैं जो लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। सर मेरे पास NYKS, NSS, NCC, स्काउट, इनमें से किसी भी एक का सर्टिफिकेट है तो क्या मुझे इंटरव्यू और सिलेक्शन में बेनिफिट या फायदा मिलेगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। इसमें क्योंकि पद से ही क्लियर होता है कि नेशनल यूथ वॉलंटियर, ऐसा नौजवान जो स्वयं सेवा करना चाहता है, देश की सेवा में विकास में अपना योगदान देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ही हम NYV बनाते हैं। तो वो NYV जब इंटरव्यू होता है तब उसके सारे डॉक्यूमेंट हम देखते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या वो नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडल महिला मंडल से जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो उसका सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो उसने अगर लगाया तो उसको नंबर मिलते हैं। इसके बाद NCC, NSS, स्काउट गाइड में अगर काम किया है और उसके सर्टिफिकेट अगर वो लगाता है तो उसमें भी उसको कुछ नंबर मिलते हैं। सर अगला प्रश्न ये है कि जो NYKS वॉलंटियर्स सेलेक्ट होंगे उनको कितने टाइम तक काम करना होता है, उनकी कोई ऑफिस टाइमिंग होती है, कोई उनके लिए टाइम पीरियड निश्चित किया गया है और उनका जो सैलरी या ऑनरेरियम जिसे हम कहेंगे भत्ता या मानदेय वो क्या होता है, कृपया बताएं। सर एक और प्रश्न इसी के साथ के अंदर कि NYKS वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको क्या कार्य करना होता है, उनको क्या टास्क दिए जाते हैं, क्या उनकी ड्यूटी होती है और उनका कार्य की जो प्रणाली होती है वो क्या रहती है? युवा केंद्र में जो वॉलंटियर भर्ती होता है वो 2 साल के लिए नियुक्त होता है और उस 2 साल तक उसको भारत सरकार खेल मंत्रालय 5,000 रुपये महीना उसके खाते में डालती है। अब वो तब डालती है जब उसको एक निश्चित कुछ टारगेट प्रोग्राम सरकार देती है और वो प्रोग्राम होते हैं जैसे आपका विलेज ग्रीन विलेज, इसके ऊपर उसको काम करना है, फिट इंडिया के ऊपर उसको काम करना है, हेल्थ को लेकर उसको काम करना है, ब्लड डोनेशन वगैरह हो गया, समाज सेवा के ऐसे काम, कुल आपके जल बचाव के ऊपर काम करना पड़ सकता है और ऐसे कई तमाम प्रकार के जो भारत सरकार के जो एजेंडे में फ्लेक्सिब स्कीम्स होने उनके बारे में लोगों को बताना, नौजवानों को जागरूक करना, गांव में जाकर के युवाओं के संगठन बनाना, युवा मंडल महिला मंडल बनाना, जहां पहले से है उनकी मीटिंग लेकर उनको एक्टिव करना है,
कुल मिला के देश के नौजवानों को जागरूक करना और उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ना, शासन के द्वारा की जा रही है सारे जन कल्याण के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना और उनके प्रति उनको बताना, जागरूक करना और उनका लाभ दिलवाना, स्किल डेवलपमेंट के काम भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है उनको वॉलंटियरों को दिए जाते हैं और उस प्रोग्राम के आधार पर उसने जो महीने भर किया उसकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट उससे ली जाती है और उसकी रिपोर्ट मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर उसका 5,000 रुपए पे होता है। और ये इसलिए हम शुरू से ही हम विज्ञापन में भी ये तय कर देते हैं कि उस युवा को कहीं दूसरी जगह काम नहीं करना है, पूरी तरीके से नेहरू युवा केंद्र में अगर वो आ रहा है NYU वॉलंटियर के रूप में तो पूरी तरीके से वॉलंटियर के रूप में ही काम करें और अपने क्षेत्र में उसकी नियुक्ति होती है उसके क्षेत्र में। जैसे मान लो वो किसी ब्लॉक का रहने वाला है किसी गांव का, तो उसी ब्लॉक में उसको उसका कार्य क्षेत्र रहेगा। उस एक ब्लॉक में दो वॉलंटियर नियुक्त करते हैं, आधा आधा दोनों को बांट दिया जाता है और दोनों जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र जो मिला है उस क्षेत्र में उनको नौजवानों के जागरूक करना और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सभी काम उन वॉलंटियर को करना होता है। अगला प्रश्न ये है कि जो NYKS का रिक्रूटमेंट है वॉलंटियर का, NYB का, उसका जो इंटरव्यू की डेट्स होती है और जो लोकेशन होती है वो ऑल इंडिया में मुझे कैसे पता लगेगी? जैसे मैं एक अभ्यर्थी हूँ या कैंडिडेट हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए किस तारीख को कितने बजे इंटरव्यू पैनल के सामने या इंटरव्यू लोकेशन पे जाना होगा? इसके लिए बहुत ही सिंपल है, जो आवेदक युवा है उसने उस फॉर्म में अपना मेल आईडी दिया हुआ है, उस मेल आईडी पे उसको सूचना जाएगी जो भी डेट तय होगी। वैसे संभवतः अपना अप्रैल में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उनका इंटरव्यू हो जाएगा, उनका सिलेक्शन करके उनको 1 तारीख से शायद नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। वैसे ये मार्च में कंप्लीट हो जाता है हर साल, लेकिन किसी कारणवश इस बार थोड़ा लेट हुआ है। 3 अप्रैल को लास्ट डेट रखी है, आवेदन कम आए थे तो डेट बढ़ाना पड़ी सरकार को और अब ये 3 अप्रैल लास्ट डेट है। उसके बाद जितने फॉर्म आए उनको सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए उनके मेल पे उनको सूचना दी जाएगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन किया जाएगा और स्थान जो है उनको उनके मेल पर भेज दिया जाएगा। जहां तक संभव है नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यालयों में ही इंटरव्यू होते हैं और कई बार जिला कलेक्टर महोदय अपने ऑफिस में भी इंटरव्यू रख सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक जगह इंटरव्यू होगा। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो NYKS वॉलंटियर्स का रिक्रूटमेंट पैनल होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स का, वो कैसा होता है और उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और उनका रोल क्या होता है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के अनुसार पूरे देश के हर जिले में ये चयन समिति का गठन किया गया है। उस चयन समिति के जो अध्यक्ष है वो माननीय जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, हर जिले के जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये कमेटी होती है और उसमें नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर उसका मेंबर सेक्रेटरी होता है एवं भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्री महोदय के द्वारा उसमें 3 मेंबर मनोनीत होते हैं। ऐसे करके 5 लोगों की कमेटी होती है और ये 5 लोग वॉलंटियरों का जो आवेदन आए उनका इंटरव्यू लेकर के और उनकी मार्किंग लेते हैं और उसके आधार पर मेरिट बनती है और हर ब्लॉक पे फिर 2-2 का सिलेक्शन करते हैं और डिस्ट्रिक्ट पे 2 का, इस प्रकार उनका चयन होता है।